नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बलिया गाजीपुर से आ रही बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मोहम्मदाबाद चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन और फेफना में भाज यूमो द्वारा आयोजित हुआ युवा सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी बलिया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नीरज शेखर जी जहूराबाद विधानसभा के विभिन्न मंडलों और विभिन्न स्थानों पर जन संवाद कार्यक्रम, नुक्कड़ सभा और स्वागत समारोह में उपस्थित रहे और क्षेत्र वासियों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनका समर्थन और आशीर्वाद मांगा। भाजपा प्रत्याशी ने जिहवा, हसनपुरा, नसीरुद्दीनपुर, करदह, कैथवली, डोडसर, सिंगेरा, कंसहरी आदि स्थानों पर कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जनमानस को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बलिया लोकसभा क्षेत्र के द्वारा फेफना चितबड़ा गांव मोड़ पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रांशु दत्त द्विवेदी, विधान परिषद सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारों को युवाओं के बीच मंच से साझा किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव में नीरज शेखर जी को पूर्ण समर्थन देकर जिताने की बात की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांशु दत्त द्विवेदी ने कहा कि युवाओं से ही भारत का भविष्य है और भारतीय जनता पार्टी भारत के भविष्य के लिए ही कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का है और इस लोकसभा चुनाव में हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन करके इस संकल्प को पूर्ण करने में उनका सहयोग करेंगे। विधानसभा मोहम्मदाबाद के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन देव पैलेस तिवारीपुर मोहम्मदाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डबल इंजन की सरकार निरंतर देश और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और नीरज शेखर जी को बलिया की जनता समर्थन देकर के इस डबल इंजन की सरकार से बलिया को पुनः जोड़ करके विकास की रफ्तार को तेज करेगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।